नमस्कार, एक खूबसूरत सुबह के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस समय विजिट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग और मैं हूं कुर्तियारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पशुओं के 14 डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। कहने का मतलब कि ये वैकेंसी जो है आई है, अगर इसमें आप फॉर्म भरना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है हम आपको बता दें कि वैक्सीनेटर हो गए, सहायक हो गए, पशु मित्र हो गए या फिर पैरावेट हो गए, पशु मैत्री हो गए, सबके लिए जो है सुनहरा अवसर है। तो आप लोग इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको पूरी डिटेल्स बता रहे हैं और भी अगले वीडियो में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ मुख्य बातें आप जान लीजिए कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को के घंटी बटन को दबा दीजिएगा ऑल पे नोटिफिकेशन, ताकि मैं अगला वीडियो इस तरह का नॉलेजफुल अगर दूं तो सीधा आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मैं ऐसे ही बहुत ही सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ, ताकि जो है आप लोग जानकारियों से अपडेट रहें और जैसे भी कोई जानकारी होती है हम अपने यूट्यूब चैनल से सबसे पहले आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द वो जानकारी मिल सके और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। वैसे ही ये जो है 26 तारीख के न्यूज़पेपर की आप कटिंग देख रहे हैं, उसमें ये आया था, तो हमने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो पशुओं के 14 डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। चलिए पहले बात करते हैं और इसको पढ़ लेते हैं सही से, फिर उसके बाद में पूरी बात बताते हैं। शहरों में गौशालाओं की देखरेख की के लिए नगर निगमों में पशु चिकित्सक रखे जाएंगे। पहले चरण में 14 पशु चिकित्सा अधिकारियों को रखा जाएगा। नगर निगम में पिछले कई सालों से पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती नहीं हुई है, प्रतिनियुक्त के सहारे काम चलाया जा रहा है। चयन संस्तुति के बाद इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राज्य सरकार ने पशुओं को आश्रय देने के लिए शहरी क्षेत्रों में गौशालाएँ बनवाई है, इनमें छुट्टा जानवरों को रखने की व्यवस्था की गई है। इनमें पशुओं के रहने और खाने की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। इनमें छुट्टा जानवरों को रखने की व्यवस्था की गई है इनमें पशुओं के रखने और खाने की व्यवस्थाएं कराई गई हैं, लेकिन गौशालों में रहने वाले जानवरों की देख रेख के लिए निकायों के पास पशु चिकित्सा अधिकारी नहीं है, इसलिए पहले चरण में 14 पशु चिकित्सा अधिकारियों को रखने का फैसला लिया गया है। पहले चरण में इन्हें बड़े नगर निगमों में रखा जाएगा और बाद में अन्य नगर निगमों में भर्तियां की जाएंगी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं पूरी जानकारी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार ने जो है बहुत सारे जगहों पर पशुओं को रखने के लिए गौशालाएं बनवाई है। आपके भी क्षेत्र में जो है वो गौशालाएँ बनी होंगी, तो लेकिन उसमें कोई भी अभी जो है पशु अधिकारी नहीं है और ना कोई पशु चिकित्सक है जो उनकी समय समय पर देख रेख कर सके। इससे क्या होता है कि पशुओं को जब लाया जाता है तो बहुत सारे पशु चोटिल होते हैं या फिर बहुत सारे पशुओं में जो है बीमारियां हो जाती हैं और उनका जो है पूर्णतया उस समय इलाज नहीं हो पाता, जिसके कारण उनकी जो है जान हानि हो जाती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए राज्य सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है और प्रत्येक गौशाला में जो है रखने का एक अधिकारी जो है पशु चिकित्सा अधिकारी जो है रखने का फैसला ले रही है। तो जिससे होगा क्या कि उसका समय समय पर पशुओं का जो है देख रेख हो जाएगा, निरीक्षण होता रहेगा गौशाला का, तो जिससे जो है पशुओं की जो जान जाने की वो होती है उसमें कमी आएगी और साथ में उनका इलाज भी अच्छे से हो पाएगा। इसी मंशा के साथ केंद्र सरकार राज्य सरकार ने एक एक पशु अधिकारी रखने का फैसला लिया है, लेकिन अभी जो है शुरुआत में ये बड़े नगर निगमों में ये कार्य किया जाएगा और सिर्फ अभी 14 जो है से स्टार्टिंग होगी और 14 जब वो सफल रहेगा मामला तो धीरे धीरे हर जगहों पर रख दिया जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत सारी गौशालाएं हैं तो उनमें जो है एक डॉक्टर की अगर ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सारे जो है डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी और एक लिए लंबी वैकेंसी निकल के सामने तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको बिल्कुल नई होगी और बिल्कुल आप विद प्रूफ आप देख सकते हैं, ये आपको मैं ये न्यूज़पेपर में दिखा रहा हूँ तो इसमें कोई झूठ होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए आप चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग। मैं अंकुर तिवारी, अमेठी उत्तर प्रदेश से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। जय हिंद।